हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज हिंदी। इस वक्त हम मौजूद है भिंडी मुंबई नासिक द्वारका हाईवे पर, जहां पर आप देख रहे हैं ये जो यहां पे सैकड़ों की तादाद में जो युवा है यहां पर मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे आज यहां पर जो ये युवा जो मौजूद है वो किस वजह से मौजूद है और क्या उनका कहना है, हम जानना चाहे कोशिश करेंगे उनसे। क्या कहेंगे भाई हमारे पास चैनल आपका? बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका। मैं भाई राहुल हरी बोल रहा हूँ। और ये जो जो अभी ये आ रहा है जो तिरंगा यात्रा आ रही है हमारे इम्तियाज जलील साहब जो दिखाने। अच्छा, मतलब आप यहाँ पर जो इम्तियाज जलील साहब जो कि औरंगाबाद से एक तिरंगा रैली के लिए निकले हैं, आप उन लोग उसके लिए यहाँ? उसके लिए हम लोग यहाँ जमा है उनके स्वागत के लिए। जो जो देश में कार्य चल रहा है, ये वातावरण जो अगला दो भेदभाव चल रहा है, ये राष्ट्र के अंदर हिंदुस्तान के अंदर ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर कायदा है तो सबके लिए कायदा है, ऐसा नहीं कि एक एक लिए कायदा है। तो ये इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए उसको इसके लिए रैली जा रही है मुंबई, और इस पर सुनवाई होना चाहिए। इस पर ऐसा नहीं कि भेदभाव होना चाहिए, भेदभाव करने से हिंदुस्तान के अंदर महाराष्ट्र के अंदर तकलीफ आ सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये गवर्नमेंट इस पर और जो सरकार है इस पर एक्शन लेना चाहिए, कोई भी सरकार हो। क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि आपने जैसा कहा, यहाँ पे जो इम्तियाज जलील इस रूट से गुजरने वाले वो है कि क्योंकि यहाँ रामगिरी जो महाराज है जिन्होंने हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो टिप्पणी की थी उसके वजह से उन्होंने एक बड़ी तिरंगा रैली यात्रा निकाली है, तो उसके बारे में कुछ? उसके बारे में ये तो निकाले उनके बारे में, रामगिरी महाराज के बारे में तो है ही है। और जो आप नीतीश राणे भी बोल रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, रामगिरी महाराज है जो है हमारे आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोला है, लेकिन कानून इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इस पर एक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी बोलेगा तो कल को कोई भी आदमी आम है किसको भी बोलेगा, तो ऐसा नहीं चलना चाहिए, देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जी, और कोई बोलना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं आलम हाशमी बोल रहा हूँ। ये जो हमारी रैली निकल रही है, ये रामगिरी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ताखी की है इसके लिए निकल रही है, और हमारे खासदार माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से आ रहे हैं, औरंगाबाद से होते हुए बाईपास होते हुए बम्बई जाएंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे जितने भिवंडी वासी हम लोग खड़े हैं उनके साथ में जाने के लिए, इम्तियाज जलील साहब के साथ में समर्थक के लिए हम लोग खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आइए और लोगों से कुछ बात करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे आप, कहाँ से और क्या कहे? हमने अक्कलकोटहून आलेला आहे या ठिकाणी। ते रामगिरी महाराज आणि तो आमदार नितेश राणे आहे, त्यांनी वारंवार मुस्लिम धर्माबद्दल, मुस्लिम समाजाबद्दल किंवा मुस्लिम धर्मगुरूबद्दल जे वादग्रस्त वक्तव्य नेहमी करत असतात, त्यासाठी आम्ही त्यांचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी किंवा त्यांना अटक व्हावी त्यासाठी औरंगाबादचे खासदार आदरणीय इम्तियाज जलील साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी आम्ही जमलेलो आहोत। इथून पुढे आमची रॅली मंत्रालयापर्यंत जाईल आणि त्या ठिकाणी आम्ही सरकारला अन्य मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे यांना संविधानची एक कॉपी देणार आहे, कारण हा जो देश आहे संविधानानुसार चालतो याची जाणीव आम्हाला या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना करून द्यायची आहे। त्यानंतर पोलीस आयुक्त यांना सुद्धा आम्ही एक शपथपत्र देणार आहोत, जे त्यांनी सेवेत रुजू होण्यापूर्वी एक शपथ घेतलेली असते की आम्ही जनतेची सेवा निष्पक्षपणे करू, यासाठी ती एक शपथ त्यांना आठवण करून देण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही आलेलो। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, यहाँ पर कहाँ से आए और किस लिए आए? जी, हम लोग महाराष्ट्र का एक अक्कलकोट शहर है, वहाँ से आए हुए हैं। इम्तियाज जलील साहब की सदारत में जो गुस्ताखी रसूल है, जितने भी महाराष्ट्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी की है वो, और फिर जो आर्य रवि की जो भाषा कर रहे हैं हिंदुस्तान में, उन सबके खिलाफ कानून को, सरकार को कानून की याद दहानी करने के लिए ये जो रैली मुनक्कद की गई है उसी के सिलसिले में हम लोग आए हैं। बस हमारे रसूल की मोहब्बत में आए हुए हैं, हमारा किसी पार्टी या किसी और मजहब किसी और चीज़ से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी है उसकी है, उसी की बिना पर हम सब इकट्ठा हुए हैं। आप यहाँ अक्कलकोट से भिवंडी आए हैं इसी भी रैली में समर्थन के लिए, जो कि गुस्ताखी रसूल जिसे रामगिरी महाराज साहब कह रहे हैं उनके लिए उन्होंने टिप्पणी की उसके लिए। जी जी, बस उसी के लिए। और मेरा आपके माध्यम से मैं हमारे तमाम मुसलमान भाइयों से, और मैं कहता हूँ कि हर तमाम इल्म वालों से भी मेरी गुजारिश है कि आपको आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जब गुस्ताखी हुई है तो हमको किसी पार्टी का या किसी और कोई राजकारण मफाद को सब चीज़ों को बाजू में रखते हुए
हमको हमारे नबी के शान में इकट्ठा होना है, एक प्लेटफार्म पे आना है और सब पूरे हिंदुस्तान को बल्कि हर वो शख्स को बताना है जो भी हमारे नबी के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं कि हम जब कभी नबी के शान में गुस्ताखी होगी तो हम हमारा माल जान तन मन धन सब उनके नाम पे कुर्बान करके रोड पे आने के लिए तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के माध्यम से बात करने के लिए। जैसा कि यहाँ पर जो कि यहाँ पे मेहमान की तरफ जो भिवंडी में जो अक्कलकोट से भिवंडी के जो सोलापुर से कई किलोमीटर दूर गांव है गए जो अक्कलकोट वहाँ से यहाँ पर आए हैं सिर्फ इसलिए कि जो इम्तियाज जलील साहब जो है वहाँ पर जो माजी खासदार है उन्होंने एक तिरंगा रैली यात्रा निकाली है रामगिरी महाराज को लेकर और जो देश में चल रहे जो विवाद को लेकर नीतीश राणे को लेकर ऐसे कई सारे जो टिप्पणी किए जा रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ कहीं ना कहीं उनके जो टारगेट किया जा रहा है उसके खिलाफ यहाँ पर एक रैली को समर्थन के लिए अक्कलकोट से कई सारे लोग आए हैं और भिवंडी शहर के काफी सारे लोग हैं तो हम जानना चाहेंगे यहाँ पर और भी लोग हैं उनसे भी बात। हमारे साथ यहाँ मौजूद है भिवंडी शहर के AIMIM के जो जनरल सेक्रेटरी है कामले सर और उनके साथ में दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के जो अध्यक्ष है इमरान शेख उनसे ही बात करेंगे कि आज यहाँ पर वो किस वजह से यहाँ पर आए, क्या कहेंगे सर आज यहाँ पर आप? देखिए जैसे कि आपको पता ही है महाराष्ट्र के अंदर इस तरह से नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कुछ पुट्टू जैसे नीतीश राणे हैं और जो महाराज है रामगिरी महाराज ये लोग मुस्लिम समाज के बारे में या उनके नबियों के बारे में कुछ भी बयान कर रहे हैं मस्जिदों में घुस के मारने की बातें कर रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र के अंदर 60 के आसपास FIR होने के बावजूद भी महाराष्ट्र पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर रही और सरकार जो है वो खामोश गूंगी और बहरी बनी हुई है। तो इस सरकार को जगाने के लिए और ये पैगाम देने के लिए कि ये जो देश है ये भारत है ये महाराष्ट्र है जो छत्रपति शिवाजी महाराज बाबा साहब और फुले की भूमि है ये महाराष्ट्र के अंदर संविधान का राज चलेगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कानून के हिसाब से काम होगा ना कि CM साहब की मर्जी से। तो CM साहब को हम एहसास दिलाने के लिए आए कि आप CM पूरे महाराष्ट्र के हो हिंदुओं के हो मुसलमानों के हो बुद्धिस्टों के हो जैन के हो सारे समाज के हो ना किसी एक कम्युनिटी के हो तो आपको ये नफरती तत्व फैलाने वाले लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा और ये बात बताने के लिए संविधान की एक कॉपी जो है मुख्यमंत्री को देने का ऐलान हमारे लीडर इम्तियाज जलील साहब ने किया था और ये जैसे कि नॉन पॉलिटिकल है ये रैली किसी पार्टी की नहीं है जो लोग करीम साहब को मानते हैं नबी करीम को मानते हैं उन लोगों का आना यहाँ फरीजा था और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप देख सकते हैं कि नौजवान तिरंगा लेकर अपने हाथ में आए हैं और ये पैगाम हम देना चाहते हैं कि हम इस मुल्क में हैं ये मुल्क हमारा है ना किसी एक मजहब का। तो ये मुख्यमंत्री को पैगाम देने के लिए और जो IPS ऑफिसर जो कसम खाते हैं जब नौकरी ज्वाइन करते हैं कि हम किसी का भी मजहब देखकर या कुछ भी देखकर किसी बुनियाद पर भेदभाव नहीं करेंगे उनके ऊपर कानून का राज चलेगा वो उनको याद दिलाने के लिए खास तौर पर ये रैली इम्तियाज जलील साहब ने निकाली थी। उनका काफिला आधे घंटे में यहाँ पर पहुँचेगा और यहाँ से हम लोग रैली की शक्ल में उनके साथ बम्बई की तरफ मंत्रालय में कुछ करेंगे और ये रैली कामयाब होगी। कामले जी कहीं ना कहीं जो जो यहाँ पर जो देश के प्रधानमंत्री जी है वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास होगा और महाराष्ट्र के जो CM एकनाथ शिंदे जी वो वही स्टेज पे रामगिरी महाराज को कहते हैं कि आपका बाल बांका नहीं होगा क्योंकि कई सारे FIR जैसे कि आपने कहा FIR भी हुई है फिर भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया। कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा नहीं लगता है कि जो भाजपा जी जो सरकार है स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं वो भेदभाव कर रही है? जी बिल्कुल ये तो हमने 2014 से लेकर देखे जा रहे हैं कि जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है जिस तरह से मस्जिद मदरसों के ऊपर 370 का कलम हो गया वक्फ बोर्ड का भी मामला आ गया एक तरफा जो है टारगेटेड करके ये काम हुआ जा रहा है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो या महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट से पिछले जब से एकनाथ शिंदे आए हैं और देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तब से ये सिलसिला चला आया है। तो ये तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं कि किसी एक कम्युनिटी को किसी एक रिलीजन को टारगेट करके गवर्नमेंट काम कर रही है। तो ऐसे गवर्नमेंट को ही हम ये बताने के लिए आए कि ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा ना कि तुम्हारे बाप के कहने के ऊपर ना अमित शाह की मर्जी से ना मोदी की मर्जी से। तुमको जो मैंडेट मिला था 2024 में लोगों ने बता दिया कि तुम नालायक हो इसलिए उनकी सीट अभी नीतीश और नायडू के भरोसे चल रही है। कभी भी ये सरकार गिराने का जो है जो डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग हैं जो इस संविधान को चाहते ये सरकार गिरनी चाहिए और ये ऐसे नालायक लोग सरकार से सत्ता से बाहर होने चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इमरान जी क्या कहेंगे अब इस मामले को लेकर कि आपके साथ में तो कई सारे सैकड़ों की तादाद में यहाँ युवा आए हैं और इस रैली का समर्थन करते तो क्या बिल्कुल यहाँ पर रैली का समर्थन करने का मतलब ये है साहब यहाँ पर जिसने गुस्ताखी की उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना और इतनी बड़ी तादाद में औरंगाबाद से लोगों का निकलना मुसलमानों का निकलना सबका निकलना
ये इस बात को जाहिर करता है कि मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ये मैसेज देने के लिए आज एक बड़ी रैली निकली औरंगाबाद से, अभी भिवंडी ज्वाइन करेंगे हम लोग इंतजार जलील साहब को और आगे जाने का प्रोग्राम है। दूसरी चीज ये कि जिस तरीके से सरकार सोई हुई है, सरकार किसी भी तरीके की कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं कर रही है, रामगिरी हो चाहे नीतीश राणे हो, किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं कर रही है। तो एक संविधान की किताब जो शायद हमारे सीएम साहब हो या फिर जो हमारे पुलिस के आला अधिकारी है जो कसम खाते हैं तो वो भूल गए हैं कि संविधान के हिसाब से ही देश चलने वाला है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से। तो उनको याद दिलाने के लिए ये एक संविधान की कॉपी उनके हाथ में देंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह वो जागे, नहीं जागेंगे तो आने वाला विधानसभा इलेक्शन है, पब्लिक तो जगह ही देगी। तो ये जो रूट यहाँ पर जो लोग जमा है, ये जो ब्रह्माजी खासदार है इम्तियाज जलील, उन्होंने यहाँ से एक तिरंगा रैली यात्रा निकाली है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर तिरंगा जो है हाथों में लेकर, गले में स्कार्फ डालकर यहाँ पर तिरंगा रैली की यहाँ पर यहाँ स्वागत करने के लिए यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर युवा मौजूद है। साथ में उनके जैसे कि आपने सुना दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के जो इमरान शेख है उन्होंने, और AIMIM के जो जनरल सेक्रेटरी है अमूल कामले सर के साथ में यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर जो युवा है जमा है ये समर्थन करने के लिए, जो कि देश में जो चल रहा है विवाद को लेकर रामगिरी महाराज ने जो टिप्पणी की है हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, और नीतीश राणे जो आमदार है BJP से, उन्होंने जो यहाँ पर कई सारे जो मुसलमानों को टारगेट करते हुए टिप्पणी करते हुए ये उस रैली को समर्थन के लिए, और जो आपने सुना कि जैसे अगर जो संविधान है जो देश है वो संविधान से चलता है, ना ही कि किसी के बाप के वसूलों से चलता है, तो इस मामले में आपकी क्या राय है ये हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।